हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी चैनल का होस्ट, आपका दोस्त। और जैसे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस का वीडियो बनाया, बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट आता था कि सर पुणे यूनिवर्सिटी का भी बनाओ, तो मैं जरूर लेकर आया हूँ पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सिलेबस। ओके, आप देख सकते हैं ये 2019 कोर्स, जैसे कि CBCS सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग में। ओके, अकेडमिक ऑफ 1920 में सिलेबस चेंज हुआ था, CBCS सिस्टम फॉलोअप हुआ, तो अभी एकेडमिक ईयर 21-22 के लिए भी यही फॉलो होगा। ओके, अगले 5-6 साल तक तो यही फॉलोअप होने वाला है, नो इशू। ओके, बिकॉज 6 या 8 साल के बाद ही जो है सिलेबस अपग्रेड होता है, तो ये एकेडमिक ईयर 1920 के बाद का ये लेटेस्ट पैटर्न है। तो आप देख सकते हो सेमेस्टर वन का है, या मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा इसी तरीके से। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ऑलरेडी मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैंने बुक्स के ऊपर वीडियो बनाया, आप वो चेक कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन ये एक सब्जेक्ट है, ओके, जिसका ये जो मार्क है ESC, ESC का मतलब रिटन पेपर। ओके, यूनिवर्सिटी के एंडिंग में रिटन पेपर होता है, तो 70 मार्क का रिटन पेपर होगा, 25 मार्क का टर्म वर्क, ओके, 30 मार्क का इंटरनल एग्जाम होगा, इंटरनल टेस्ट, जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना, लाइक दैट। ओके, तो ये आपको देखना है, और 25 मार्क का टर्म मार्क, टोटल 125 मार्क हुए। ओके, तो ये आपको मार्किंग स्कीम आप देख सकते हो, ये वाला एग्जामिनेशन स्कीम एंड मार्क्स। ओके, और ये क्रेडिट्स है, क्रेडिट्स अगर आप समझ गए इंजीनियरिंग के बाद मास्टर्स करते हो, तो वहाँ पर क्रेडिट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि इतना क्रेडिट होना चाहिए। अगर फॉरेन में या इंडिया के बाहर अप्लाई कर रहे हो, तो डिग्री में इतने ही क्रेडिट्स होने चाहिए, तो वो सिस्टम है। अगर आप फ्यूचर में करोगे मास्टर्स वगैरह, तो उसके लिए है सेम, उनको टोटल 22 क्रेडिट्स है। ओके, इसके ऊपर बाद में आपका पॉइंटर भी होता है, तो फिलहाल आपको सिर्फ ये बीच वाला देखना है, एग्जामिनेशन स्कीम एंड मार्क्स। ओके, ये टीचर्स के लिए कितना घंटा, कितना प्रैक्टिकल एक एक में रहेगा उसके अकॉर्डिंग, उस चैप्टर से। ये इंजीनियरिंग मैथ्स का बताया मैंने, देन इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, दोनों मिला के एज अ वन सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। बट या आई कैन अंडरस्टैंड, ये दो सब्जेक्ट है और दोनों मिला के इसका 70 मार्क का रिटन एग्जाम है। ओके, 30 मार्क का इंटरनल टेस्ट, 25 मार्क का टर्म वर्क, टोटल 125 मार्क। ओके, और देन सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपको एक सब्जेक्ट होगी, ये सब्जेक्ट के कोर्स है जो आपको जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हो तब आपको ये कोर्स डालने होते हैं। 70 मार्क का रिटन पेपर है, ये पेपर है मैकेनिकल, मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है। सारे ब्रांचेस को सेम, फर्स्ट ईयर का जो सेम वन सेम टू है सेम सब्जेक्ट्स होंगे, सेम पैटर्न होगा, सेम सिलेबस होगा, सब कुछ सेम होगा। ओके, और सारे फील्ड से थोड़े थोड़े सब्जेक्ट लिए जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री इसलिए लिया जाता है बिकॉज अपने डिप्लोमा में या 11th 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है। ओके, और उसकी क्या एप्लीकेशन मार्केट में यूज हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो दिया रहता है। फिर आप इंजीनियरिंग में अपने फील्ड में कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो, ये एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रिलेट करने के लिए ये सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। ओके, किस किस बातों का ख्याल रखना पड़ता है, एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह एंड ऑल। ओके, तो हाँ, EVS का भी एक सब्जेक्ट है शायद, सिर्फ ओरल रहेगा वो, एनवायरमेंटल स्टडीज। नेक्स्ट मैकेनिकल, ये मैकेनिकल का एक सब्जेक्ट है। ओके, सो ये BEE सिस्टम एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक से है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक से ये एक सब्जेक्ट है। तो बी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE जिसे हम लोग करते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BE2 या अगेन BEE कहते हैं। तो ये दोनों भी दो अलग अलग सब्जेक्ट है, बट एज ए एक सब्जेक्ट आपको ट्रीट करना है। और मैं बता दूँ गाइस, इसका 70 मार्क रिटन, 30 मार्क ओरल, 25 मार्क PR प्रैक्टिकल, तो 125 यहाँ पर भी मार्क्स होते हैं। ओके, और मैं बता दूँ गाइस, ये जो दो सब्जेक्ट शेयर हो रहे हैं एज अ वन सब्जेक्ट, ये आपको सेम टू में भी आएंगे। ओके, ये जैसे ये दोनों एक एज अ वन सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, ये दोनों एज अ वन ट्री वन सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है, ये दोनों एज अ वन सब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। तो ये आपको जैसे आपने बुक खरीदा, तो हाफ पार्ट या सिलेबस का हाफ पार्ट अभी आएगा सेम वन में, और हाफ पार्ट सेम टू में आएगा। देखिए, सेम टू में भी आया फिजिक्स केमिस्ट्री, BEE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो वही जैसे मैंने बोला, हाफ बुक अभी हाफ बुक सेम टू में आने वाला है, तो ये आपको आया। तो ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट हो गए। देन प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें पाइथन आने वाला है, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दो सब्जेक्ट एज अ वन सब्जेक्ट ट्रीट होने वाले हैं एज अ मार्किंग स्कीम में। अदरवाइज ये आप दो, आपको दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, एक मैकेनिक्स है, एक IT से। नेक्स्ट वर्कशॉप करके एक सब्जेक्ट है जिसमें से प्रैक्टिकल्स होंगे। ओके, और वो प्रैक्टिकल्स आपको करने होंगे, उसके लिए 25 मार्क टर्म मार्क्स होंगे। ओके, और एक इन्वायरमेंटल का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ होता नहीं, लेक्चर्स थोड़े बहुत हो जाते हैं एक दो, और उसमें आपको एनवायरनमेंट का
डिटेल थोड़ा बहुत दिया जाता है। ओके तो ये सेम वन के इतने सब्जेक्ट्स है आपको। ओके ये मैथमेटिक्स कंप्लीट वन सब्जेक्ट है, ये वाला कंप्लीट वन सब्जेक्ट है, ये दोनों हाफ ऑफ करके वन, ये हाफ ऑफ करके वन, ये हाफ ऑफ करके वन, ये सेम वन, और ये तीनों बाद में आपको रिपीट होंगे, सेम बुक यूज होगा इन टू। ओके और हाँ ये सेम वन सेम टू, सेम टू बताने के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा आपको सेम वन के बारे में। देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में आपको 11 12 जैसा कोई टेक्स्ट बुक सिस्टम नहीं होता है कि भाई टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के अंदर सब कुछ रहेगा, उसको चैप्टर फॉलो करोगे एंड ऑल। इसमें क्या होता है, क्यूरिकुलम बनाया जाता है, सिलेबस बनाया जाता है कि एक सब्जेक्ट में ये सारे टॉपिक्स कवर अप होने वाले, जैसे फिजिक्स में जो है ऑस्किलेटर, मैकेनिक्स में काइनेटिक, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक, स्टेटिक, ये सब चीजें टॉपिक्स है बराबर। वो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपके कॉलेजेस में लाइब्रेरी में बहुत सारे ऑथर्स के बुक रहते हैं, जो किसी ने सिर्फ ऑस्किलेटर के ऊपर लिखा है, किसी ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई टॉपिक के ऊपर लिखा है, किसी ने सिर्फ थर्मोडाइनेमिक के ऊपर लिखा है। ओके तो एक टॉपिक के पूरा पूरा लिखा है, वो टॉपिक से जो भी टॉपिक रिलेट या आपके सिलेबस में दिया गया है ये टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक, उस बुक से वो सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना होता है। उसे हम लोग रेफरेंस बुक बोलते हैं, सिलेबस में अवेलेबल अवेलेबल होता है। बट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बुक के अगर चार टॉपिक है उसके लिए चार बुक तो रेफर नहीं करोगे बराबर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बुक्स होते हैं नोट्स ओरिएंटेड, वो मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखे प्लीज में आके। ओके और वो आपको एग्जाम के लिए बेनिफिटेड होता है, कॉन्सेप्ट संबंधी के लिए आप रेफरेंस बुक जरूर यूज कर सकते हैं। और मैं बता दूंगा ऐसा एक और चीज बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरे वीडियो को बहुत लोग नेगेटिव ले लेंगे कि आप बोल रहे हो नोट्स वाले बुक से लो। आप जिस फील्ड में माहिर हो या आप जिसमें करियर बनाना चाहते हो, जैसे कि आईटी हो गया, आईटी वाले, सीएस वाले, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, तो इसका जो रेफरेंस बुक होगा उसको डिटेल से स्टडी करो। बाकी के लिए आप नोट्स ओरिएंटेड बुक प्रीफर कर सकते हो बराबर। कोई मैकेनिकल वाला है, सिविल वाला है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और सिस्टम मैकेनिक के रेफरेंस बुक रेफर करो, कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझने के लिए। बाकी के लिए नोट्स ओरिएंटेड रेफर करो। कोई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप रेफरेंस बुक यूज करो, बाकी सब के लिए नोट्स ओरिएंटेड बुक यूज करो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज सारे सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस बुक यूज करोगे तो अफकोर्स 3 4 महीने में एग्जाम आएगा, आप पूरा फॉलोअप नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे, स्टडी नहीं कर पाओगे, लो मार्क्स आएंगे बराबर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप जो फील्ड से रिलेट करते हो उसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज करो, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए गुड स्कोर करने के लिए आप जो है नोट्स ओरिएंटेड बुक यूज करो। ऑलरेडी मैंने उसके वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। तो सेम टू के ऊपर आ जाते हैं। हाँ मैं सेम वन के सिलेबस के ऊपर भी बात करूंगा, सब्जेक्ट देख लेते हैं खाली सेम टू का। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 है। ओके ये अगेन 30 मार्क्स का इंटरनल टेस्ट, 70 मार्क का रिटर्न टेस्ट, यूनिवर्सिटी एग्जाम, 25 मार्क का टर्म मार्क, 125। इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो बच्चा कुछ आता सेम वन से आता था वो सेम टू में आ जाएगा। यहाँ पर 30 30 है, इसमें हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 20 मार्क का प्रैक्टिकल, 125। बी डबल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों का भी सेम। ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है वो सिस्टम मैकेनिक्स के जगह पे यहाँ पर आया है। ओके और इसके लिए देखिए यहाँ पर 50 मार्क का रिटर्न पेपर है, 25 मार्क में ही टर्म और प्रैक्टिकल दोनों है। ओके टोटल 75 मार्क्स। और एक और सब्जेक्ट है आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, सेम वन में तो वर्कशॉप था आपको। ओके मतलब वेल्डिंग और फर्नीचर्स का कैसा वर्क होता है वो सब के ऊपर, यहाँ पर भी कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड है वो आपको स्टडी करना है। इन्वायरमेंटल यहाँ पर आगे कुछ टॉपिक और कुछ लेसन होंगे आपको, लेक्चर्स होंगे वो आप सुनना, बिकॉज कोई भी हम लोग इन्वेंशन करते हैं, इंजीनियरिंग वर्क आप फ्यूचर में आप करोगे तो एनवायरमेंट का भी केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके कुछ एथिक्स होते हैं वो आपको समझना और जानना जरूरी है। ओके बिकॉज एक इंजीनियर के साथ साथ एक आपको अच्छा ह्यूमन भी बनना है। ओके कि आप जिसे बहुत सारे पास्ट में आपने सुना होगा, शायद आपको पता नहीं होगा कि कुछ कुछ इन्वेंशन ने, जैसे कि बॉम्ब्स वगैरह के इन्वेंशन हुए बराबर, एटम बॉम्ब एंड ऑल, तो उससे ह्यूमैनिटी का नुकसान ही हुआ है, भले फाइटिंग में कोई भी जीता कोई भी हारा, बट वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के कितने सारे छाप है। ओके छाप मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वो इन्वेंशन गलत हुआ, वैसे ही हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं, कोई भी इंजीनियरिंग में वर्क करते हैं तो एनवायरमेंट पे नुकसान ना हो उससे रिलेटेड एनवायरमेंट के एथिकल लेक्चर्स होते हैं। ओके तो आगे हम लोग सब्जेक्ट्स के सिलेबस पे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। ओके मैथमेटिक्स 1 ये सारे आपको प्री रिक्वेस्टी का मतलब होता है, ये आपको पहले से आना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अदरवाइज ही आप प्रोफेसर बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो लोग बेसिक से भी बताते हैं, नो वरी। डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव आनी चाहिए, इंटीग्रेशन आनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम जो आपने किया था, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस, ये आपको आने चाहिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में बेस्ट स्कोर करने के लिए। अगर आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो। ओके आगे तो आप सम सीखने वाले ही हो। ये रहा यूनिट 1, जैसे आपका
चैप्टर्स होते थे, यहाँ पर इसमें यूनिट्स होगा, मॉड्यूल्स हम लोग बोलते हैं इसको। तो यूनिट वन में रॉले थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल तो फेमस है इंजीनियरिंग में, लिमिट्स, ये सारे टॉपिक्स होंगे। ओके ये चैप्टर का नाम हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें आपको ये सारे आ जाएंगे टॉपिक्स। देन सेकेंड चैप्टर मतलब सेकेंड मॉड्यूल मतलब यूनिट टू है, 4 ईयर सीरीज, इसमें ये सारे टॉपिक आ गए। भाई आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं, आप आपके अकॉर्डिंग आप देख लो, मैं सिर्फ आपको स्क्रीन पे आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा दूंगा, आप देख लो, मैं सिर्फ मेन मेन टॉपिक का नाम लूंगा। 4 ईयर सीरीज ओके। देन सेकेंड थर्ड चैप्टर है मतलब थर्ड मॉड्यूल है पार्शियल डिफरेंशिएशन, फोर्थ मॉड्यूल एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैथ्स के लिए जो रेफरेंस बुक है कुंभोज कर, इज अ बेस्ट रेफरेंस बुक, बाकी मैंने नोट्स ओरिएंटेड के लिए वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। देन फिफ्थ है लीनियर अलजेब्रा, ये काफी इजी होता है ओके, लीनियर अलजेब्रा ओके, लीनियर अलजेब्रा के दोनों भी इनफैक्ट बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप देख सकते हो। हाँ अपने अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, किसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत पसंद है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन पार्शियल उसके लिए स्कोरिंग हो सकता है ओके। तो ये टोटल 6 मॉड्यूल है, ये 6 चैप्टर बोल सकते हो आप, 6 मॉड्यूल बोलो, 6 यूनिट बोलो, बात एक ही होती है ओके। सो दैट्स द थिंग। और यहाँ पर देखिए कुछ रेफरेंस बुक का नाम दिया हुआ है, आई इंजीनियरिंग बुक्स, बीबी रामाना एंड बीएस ग्रीवाल, दैट इज टाटा मैक्रोल एंड खन्ना पब्लिकेशन से। और भी रेफरेंस बुक के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, यू कैन चेक वट एवर यू लाइक और वट एवर अवेलेबल इन योर कॉलेज ओके। बट मेन मोटो इज अगेन आपको प्रॉपर प्लानिंग से आना है, सिर्फ रेफरेंस बुक के से आपको तो नहीं चले, आपको नोट्स ओरिएंटेड बुक भी रेफर करनी होंगी। नेक्स्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स, हाँ बुक्स के लिए आप अलग वीडियो मैंने बनाया है वो आप चेकआउट कर लो। देन इंजीनियरिंग फिजिक्स आ गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए देखिए प्री रिक्वेस्ट ही क्या है, पहले से क्या आना चाहिए आपको, ऑप्टिक्स, इंटरफ्रेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब 11 क्लास 11 12 के टॉपिक्स है। वेव पार्टिकल डुअलिटी मतलब इंटरफ्रेंस, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म ओके, ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए ओके। नेक्स्ट कोर्स कंटेंट में देखिए यूनिट्स मतलब चैप्टर आ चुके हैं, इंटरफ्रेंस, सो ये हम लोग फिजिक्स का देख रहे हैं ओके। वेव ऑप्टिक्स जो फर्स्ट मॉड्यूल है इंटरफ्रेंस ओके, वेव ऑप्टिक्स टॉपिक्स आपने पढ़ा भी था, इंटरफ्रेंस डिफ्रेक्शन है इसमें ओके, इसके टॉपिक्स है पोलराइजेशन है, लेजर एंड ऑप्टिक फाइबर, यूनिट टू मतलब मॉड्यूल टू मतलब चैप्टर टू ओके। देखिए चैप्टर अभी नहीं होता है इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में मॉड्यूल्स बोलते हैं ओके, यूनिट या तो मॉड्यूल्स ओके, तो यूनिट टू है या मैं यूनिट ही बोलता हूँ, अदरवाइज मॉड्यूल्स कॉलेज में बोला जाता है, लेजर एंड ऑप्टिक फाइबर ये इसके टॉपिक्स है। देन क्वांटम मैकेनिक्स ओके, देन सेमी कंडक्टर फिजिक्स, ये एक यूनिट को आप एक चैप्टर अज्यूम करो, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे टॉपिक्स है ओके। और ये अलग अलग टॉपिक आपको अलग अलग रेफरेंस बुक में मिलेगा, एक ही बुक में सब नहीं मिलेगा सारे टॉपिक्स ओके, सारे मॉड्यूल्स आई थिंक। तो उसके लिए एग्जाम ओरिएंटेड बुक मैंने ऑलरेडी बताया है, वो वीडियो आप जरूर देखें, मैग्नेटिज्म, सुपर कंडक्टिविटी, देन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी ओके, ये उसके रेफरेंस बुक के नाम है ओके। और जिस बुक की बात मैं कर रहा हूँ वो इसमें नहीं है ओके, वो बुक्स के अलग डिटेल्स है, उस वीडियो में मालूम पड़ेगा। हाँ आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स है, एक्सपेरिमेंट्स है, तो ये एक्सपेरिमेंट है एनी 8 आपको जो है परफॉर्म किए जाएंगे, और आपको भी आना चाहिए, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, तो डेट इज़ अ डिटेल। एंड ये डेमोन्स्ट्रेटेड है, डेमोन्स्ट्रेटेड में मीन्स आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना रहता है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता है ओके। देन सिस्टम इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे अभी तक सेम वन के सब्जेक्ट हमने देखा, हाँ फिजिक्स हमने देखा, उसके कुछ मॉड्यूल सेम टू में रहेंगे और कुछ मॉड्यूल सेम वन में, वो आपको कॉलेज में अपडेट दिया जाएगा, स्टार्टिंग के जनरली सेम वन में रहते हैं, बाकी सेम टू में ऐसा तीन तीन करके, 6 मॉड्यूल में 6 यूनिट में 3 3। ये मैकेनिक्स है ओके, ये मैकेनिक्स ये सिंगल सब्जेक्ट है सेम वन का, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट में रहेगा, ये टॉपिक आप देख सकते हो, एनर्जी सोर्सेज एंड कन्वर्जन ओके, देन थर्मल एनर्जी, व्हीकल्स एंड स्पेसिफिकेशन, व्हीकल सिस्टम, आप पॉज करके अंदर के टॉपिक्स भी आप देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ओके, एंड देन ये इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, ये यूनिट 5 यूनिट 6, ये इसके रेफरेंस बुक्स, थर्मोडायनेमिक, या मैं आपको ये बता देता हूँ, टाटा मैग्रो हिल, फिर ऑक्सफर्ड और विलियमसन्स, विलियमसन्स ये 2 3 पब्लिकेशन हाउस है जिसका आप किसी भी सब्जेक्ट, या पियर्सन, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप बुक लेते हो तो आपको बेस्ट मिलेगा इन डिटेल इन डेप्थ ओके। ये कुछ रेफरेंस बुक्स है ओके, तो विले, मैक्रो हिल, ये सब बेस्ट पब्लिकेशन है, पियर्सन, तो ये इसमें प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अच्छा प्रैक्टिकल का पहले गया ओके, प्रैक्टिकल का पहले गया, वो डिटेल इसमें ज्यादा नहीं दिया है,
कॉलेज में बताया जाएगा आपको। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बी डबल, देखिए प्री क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रॉन थियरी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट आपने शायद पढ़ा था, पोटेंशियल एंड केटीजी काइनेटिक एनर्जी, ये सब आपने पढ़ा था। ओके देन चैप्टर देख लेते हैं, यूनिट वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये इसके टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एसी फंडामेंटल्स, सिंगल फेज एसी सर्किट, पॉलीफेज एसी सर्किट, ट्रांसफॉर्मर्स, डीसी सर्किट, वर्क पावर एनर्जी बैटरीज, ये उसके रेफरेंस बुक्स है। ओके नेक्स्ट ये जो है कुछ प्रैक्टिकल्स है, यहाँ पर ग्रुप बी में भी कुछ प्रैक्टिकल्स है। देन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रिन्यू है, एकदम न्यू है, बेसिक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पहले से आना चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको बेसिक से यहाँ पर पूरा प्रोग्रामिंग पढ़ना है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग इस सेम में आपको दिया गया है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपको अच्छे से करना रहेगा। ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो ओओपी, तो और कहीं कहीं पर आपको बेसिक के लिए सी भी सिखाया जा सकता है, तो वो भी फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, नहीं तो सिलेबस में आई थिंक मोस्टली पाइथन ही है। ओके तो ये यूनिट वन, ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, इसके फीचर्स है अलग अलग, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब वो लूप्स होते हैं, नेस्टेड लूप एंड ऑल, फिर फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स, स्ट्रिंग्स, ये सब मैं अभी बोलूंगा आपको यही समझ में आएगा, बट ये जब आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको प्रोफेसर अच्छे से समझा के देंगे, एकदम बेसिक बेसिक, बिकॉज ये पूरा बेसिक से आप स्टार्ट करने वाले हो। और इसमें पता नहीं रेफरेंस बुक में ब्लैक बुक दिया है कि नहीं, बट ब्लैक बुक करता वैसे, या ऑक्सफोर्ड का भी दिया हुआ है, इट्स ऑल्सो वेरी गुड बुक। ओके देन दीज आर द, हाँ अभी यहाँ पर आपको जो है प्रैक्टिकल्स आ गए, ये रहा, ये प्रैक्टिकल्स है, ये आपको आने भी चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, इसके एग्जाम्स भी होते हैं, सो यू शुड नो वेरी वेल। तो 6 to 8 लेबोरेटरी जो है कंफर्म होने वाले आपको ये टॉपिक्स है, 1, 2, 3 आप रीड कर लेना, आपको कॉलेज में सिखाया जाएगा कि इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। 6, 7, 8 यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट आपको 8 परफॉर्म किए जाएंगे, कंपलसरी 8 किए जाएंगे, ज़्यादा भी किया जा सकता है ओके, बट 8 कन्फर्म रहेगा, और एक मिनी प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर देखिए कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स दिए हुए आई थिंक, तो एक मिनी प्रोजेक्ट आपको करना होगा ओके, मतलब एक का कंपल्सन है आई थिंक, और इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे। हाँ ये देखिए यहाँ पर रास्पबेरी भी दिया हुआ है, रास्पबेरी पाई का भी यूज कर सकते हैं, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और ये वर्कशॉप, वर्कशॉप जैसे मैंने बताया आपको कॉलेज में सब कराया जाएगा अच्छे से, उसका आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। हाँ कुछ एक्सपेरिमेंट के लिस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, लैथ आपको बनाना है, टेल स्ट्रोक, हेड स्ट्रोक, कैरेज, लेड, स्क्रू, ये सारे ड्रिलिंग वगैरह सब आप सीखेंगे। देखिए ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग, सारे मशीन्स पे जो है आप परफॉर्म करने वाले हो, आप करने वाले शीट मेटल फिटिंग, ये सारे चीज़ें आपको प्रैक्टिकल्स में आएंगे, आप करने वाले हो। एनवायरमेंटल के लेक्चर्स होंगे, बट इसका आई थिंक कहीं कहीं पर शायद यूनिट टेस्ट में एग्जाम होता है, अदरवाइज जो है यूनिवर्सिटी रिटर्न एग्जाम इसका नहीं होता है, ये सारे टॉपिक है। बट या आई विल से दैट यू शुड सीट अ लेक्चर, बिकॉज यहाँ पर एनवायरमेंटल के बेसिक एथिक्स बताए जाते हैं, वो आप आएंगे तो आपको आएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, ये सेम 2 का सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ा था ये आपको आनी चाहिए, थोड़ी बात रिवाइज कर लेना चैप्टर मैथ्स के देख के। ओके मैथ्स का कोई भी अगर समझ लो आपको नहीं मालूम पड़ रहा है टॉपिक्स वगैरह, ओके मतलब बेसिक्स में जो बता रहा हूँ प्री रिक्वेस्ट, मतलब बेसिक आनी चाहिए, तो दिनेश सर चैनल पर जाके आप देख सकते हो, तो दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल पर भी अवेलेबल है। और ये सारे टॉपिक्स हैं, प्री रिक्वेस्ट्री की मैं बात किया मैंने ओके, बाकी ये सब तो आपको कॉलेज में ही सीखना है, कॉलेज में आपको डिटेल में बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से सब सिखाया जाएगा। हाँ तो ये सारे मॉड्यूल है, यूनिट वन में, यूनिट टू, यूनिट थ्री, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन, कर्व ट्रेसिंग ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब सॉलिड ज्योमेट्री, मल्टीपल इंटीग्रल्स, ये सब है। देन ये रेफरेंस बुक्स है उसके, बट जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स की भी जरूरत पड़ेगी। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मैंने बताया था आपको, केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट 7, 2 दोनों में, तो वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भी एप्लीकेशन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में सारे कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन जो मार्केट में यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, वो सब आपको दिया जाएगा एक आइडिया के लिए कि आपने क्या पढ़ा था और उससे क्या इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो रहा है ओके। तो ताकि आप अब जो भी फील्ड में हो, आईटी में हो ओके, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल्स, सो ये टॉपिक है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी,
फ्रोजन साइंस, ओके, और ये रेफरेंस बुक्स है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है आप करोगे शायद। ओके नेक्स्ट जो है बी डब्ल्यू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसकी प्री रिक्वेस्ट ही आई थिंक नहीं होगी बिकॉज इसमें सब आप न्यू पढ़ोगे। ओके हाँ ओके न्यू पढ़ने वाले पूरा। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट 1 है, ट्रांजिस्टर ओ पी एम पी, ओके ये यूनिट 2 मॉड्यूल 2 है, नंबर सिस्टम एंड लॉजिक गेट्स ये यूनिट 3 है। सो ये टॉपिक्स है ट्रांजिस्टर ओ पी एम पी, नंबर सिस्टम लॉजिक गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है, देन सेंसर्स है। स्क्रोल कर रहा हूँ, डेटा तो अवेलेबल है, आप पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। तो जैसे कि हर एक सब्जेक्ट में आप देख रहे हो 6 मॉड्यूल्स है, 6 यूनिट्स है, जिसके रेफरेंस बुक्स है। ओके ये लैब जो है लैब पे एक्सपेरिमेंट्स करने वाले हो ये सारे। ओके ये सब के ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स ये आपको अच्छे से करना है। ओके देन देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ओके बेस होता है सिविल्स और मैकेनिकल वालों के लिए। ये फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है। ओके तो आपको बेसिक से पूरा सिखाया जाएगा, रिजोल्यूशन कंप्रेशन ऑफ फोर्सेस। तो सेम 1 सेम 2 ये बेसिक्स होते हैं, जिसमें आपको बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। लेक्चर लाइव में सब आपको डिटेल एनालिसिस आपको बताया जाता है। ओके दीज आर द 6 मॉड्यूल्स, ये उसके रेफरेंस बुक्स, ओके एंड ये प्रैक्टिकल्स दैट यू विल परफॉर्म इन एन लैब। ओके तो दीज आर द प्रैक्टिकल्स। देन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सेम 2 में आएगा आपको। ओके सेम 2 में ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के चैप्टर्स है, यूनिट्स, ओके 2D 3D कंप्यूटर ड्राफ्टिंग पैकेजेस, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग कर्व्स, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, सब इसमें आप देखने वाले हो। तो ये मॉड्यूल्स आपके स्क्रीन पे। तो ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक डेवलपमेंट एंड ऑल। तो ये सारे रेफरेंस बुक्स है। ओके और ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसके कुछ लेक्चर्स आए तो आपको होंगे, और इसका कुछ रिटर्न एग्जाम तो नहीं होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो नहीं है। एनवायरमेंटल स्टडीज, ये ईवीएस, ईवीएस के कुछ लेक्चर्स होंगे जैसे मैंने पहले बताया था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। ओके दैट्स ऑल। सो इस तरह से मैंने आपको सेम 1 सेम 2 दोनों ही सेमेस्टर्स का फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट जो है मैंने दे दिया है सारे सब्जेक्ट्स का। आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, उसका पॉज करके आप स्क्रीनशॉट जो भी चाहिए आप देख सकते हैं, ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह। और एक और वीडियो मैंने बनाया है वी बुक से रिलेटेड, वो आप जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके फर्स्ट इंजीनियरिंग में बेस्ट स्कोर लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी पर्सनल डाउट्स है वो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ओके वगैरह पे पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और अबाउट सेक्शन में भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।